गुना जिला अस्पताल में जन सहयोग से रेलिंग की पुताई करने के बाद शुक्रवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों ने हनुमान चौराहे से तेलघानी तक डिवाइडर की रेलिंग की पुताई की। कलेक्टर एडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने हाथों में ब्रश थामा और रेलिंग की पुताई की। इस दौरान 1 किलोमीटर की रेलिंग की पुताई की गई। बता दें कि प्रशासन इन दिनों जन सहयोग से कई जगह की साफ सफाई पुताई करा रहा है। पिछले महीने जिला अस्पताल की रेलिंग, बेड, स्ट्रेचर सहित अन्य सामान की पुताई जन सहयोग से कराई गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी इसमें सहयोग किया था। 2 दिनों में पूरे जिला अस्पताल परिसर की रेलिंग सहित अन्य सामान की पुताई की गई। और इसी क्रम में गुरुवार को एडीएम अखिलेश जैन ने डिवाइडर की रेलिंग पर पेंट करने सामूहिक श्रमदान में सहभागिता करने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में शुक्रवार को सुबह 7 बजे से हनुमान चौराहे से लेकर नए स्तंभ चौक तक डिवाइडर के ऊपर लगी रेलिंग पर पेंट करके सामूहिक श्रमदान किया जाएगा। उन्होंने नगर के सौंदर्यीकरण के लिए शहरवासियों से सामूहिक श्रमदान में सहभागिता करने की अपील की थी। गुना से कदीर खान की रिपोर्ट। शहर को स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए रेलिंग कराई गई है। सीएम साहब ने सारे पार्किंग के लोगों से बात की थी और जितने भी प्रतिभागी हैं सब लोगों ने आज कल डिजाइनिंग से लोग हैं जो पेंट लेकर के और साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं और आज हनुमान चौराहे से लेकर के जगह है वहाँ तक पूरा पेंटिंग का काम चल रहा है। लगभग 80% काम हो गया है। हमारे को नेक्स्ट में ये काम पूरा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से शहर की एक बड़ी अनुकरणीय पहल है। अपना नगर शहरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि शहर आपका है, इसको साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखने, सुंदर और सजा कर रखने की जवाबदारी सभी की है। तो सब लोग बच करके हाथ बताएँ और आगे भी ये मुहिम जारी रखें।